सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया है। उन्होंने किन्नौर जिला के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत जिले में घर घर जाकर टीबी, कुष्ठ रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में सूचना एकत्रित की जाएगी। ये अभियान जिले में 25 नवंबर से शुरू हो चुका है और 27 दिसंबर तक चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि इस अभियान में स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में इस अभियान को सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 106 दल गठित किए जाएंगे, जो घर घर जाकर स्वास्थ्य मापदंडों की सूचना एकत्रित करेंगे। उन्होंने जिलावासियों से आग्रह किया कि वे इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग दें और बीमारी के बारे में सही व उचित जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को दें, ताकि भविष्य में उन्हें और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त कार्यक्रम को लागू करने में देश भर में सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका गया है। उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा ने इस अवसर पर बताया कि जिले में कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें महिला मंडलों व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता ली जाएगी, जो घर घर जाकर लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि जिले में कोविड संक्रमण की दर को कम किया जा सके। आज जिला किन्नौर में माननीय मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी द्वारा हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत जो हमारे जितने भी लोग हैं, उनके पास हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर की एक ज्वाइंट टीम जाएगी और विजिट कर ये पता लगाएगी कि उनको कोविड या कोमॉर्बिड बीमारियाँ तो नहीं हैं। अगर हैं तो तुरंत उसके आगे का फॉलोअप जरूर लिया जाएगा। इस कैंपेन के तहत कोविड की डिटेल्ड आईसी की जाएगी। अमूमन यह नज़र आ रहा है कि कोविड संक्रमण के बारे में लोगों का रवैया थोड़ा उदासीन हो चुका है और लोगों को यह जानने की और समझने की ज़रूरत हमें महसूस होती है कि कोविड संक्रमण का जो स्केल है और पेस है, और इसमें जनता की सहभागिता और उनके सहयोग की नितांत आवश्यकता हमें महसूस होती है। तो मैं किन्नौर वासियों से सबसे अपील करता हूं कि इस अभियान के तहत पूरे हमारे ज़िले को जो कोविड संक्रमण की दर में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे निजात दिलाने में हमारा सहयोग करें। अपने आसपास जो वातावरण है, वहाँ पर चौकन्ने रहें और मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ की सफाई रखने के बारे में जरूर विशेष रूप से ध्यान दें। हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से किन्नौर जिला में जो संक्रमण की दर बढ़ी है और इस अभियान के तहत हम आखिर में जरूर हम उस पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद।